देश में 70% से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है, जहां सुविधाओं के अभाव में डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाते। वहां ग्रामीणों की सेहत का जिम्मा देश में आशा कार्यकर्ताओं के भरोसे होता है, लेकिन देश में लाखों आशा सहयोगी को मजदूर से भी कम पैसा दिया जाता है। राजस्थान में तो कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जानकारी घर घर से जुटाकर लाने के लिए 1 रुपया दिया जाता है। जी हां, 1 रुपया। इसीलिए जरूरी है कि गांवों की पहली डॉक्टर कही जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के हक की दस्तक सरकारों तक आप पहुंचाएं। नीली साड़ी जिनकी पहचान है, गांवों में ना पहुंच पाने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात में जो गांवों में बिना डिग्री के डॉक्टर रूपी भगवान है। ग्रामीण भारत में जहां सुविधाएं नहीं, वहां घर घर दरवाजे दरवाजे दवा पहुंचाने का जिनके पास काम है, एक घर से निकलकर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे रास्ते में जो मिला उसे भी लक्षण देखकर दवाएं देने का जिम्मा जिनके पास है। राजस्थान में ऐसी आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना का सर्वे घर घर करने के बदले प्रति घर 1 रुपया दिया जाता है। गांवों में 1 रुपए में सरकार कोरोना से बचाने चली है। सबसे पहले फील्ड में आशा ही टच में आती है, कैसे पता होता है कि कौन पॉजिटिव है, लेकिन सबसे पहले उसका सर्वे वो ही करेगी, उसके बाद में वो वहाँ पहुँचाएगी। इसको देखते हुए पिछले साल सरकार ने हमें 1000 रुपए महीने के अलग से दिए थे और इस बार वो भी नील कर दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। और जब हम लोगों ने अपनी बात रखी तो हमें 1 रुपया, सर 1 रुपया एक घर का सर्वे का दिया जा रहा है। क्या मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, स्वास्थ्य विभाग के जो भी मंत्री जी हैं उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये मान्य है, 1 रुपए में सर्वे कैसे किया जा सकता है? सोचिए आप, एक टॉफी की कीमत में सरकार गाँव में राजस्थान के कोरोना को काबू रखना चाहती है। डॉक्टर्स डे पर मिलिए गाँवों में पहुँचने वाली आशा कार्यकर्ताओं से, जो पारा 44 पार हो या टेम्परेचर 0 के करीब, बारिश हो या बाढ़, सबसे पहले ग्रामीणों की सेहत की जानकारी जुटाती हैं, दवा देती हैं, पूरे गांव का स्वास्थ्य सरकार को यही बताती हैं। गांव में कोरोना काबू में करने का जिम्मा आशा सहयोगिनों ने उठा रखा है। इस तरह से यह लोग दिन में घर घर में घूमकर सर्वे करते हैं और दवाइयाँ देते हैं। घर में कोई खांसी जुकाम का मरीज तो नहीं है, अगर हो तो उनके क्या क्या लक्षण हो रहे हैं तो बताते हैं। जैसे कि कोई किसी को हो रहा है तो भाई कोई खांसी जुखाम बुखार तो उसको बताते हैं कि ये दवाइयाँ लो और इसे भी ठीक नहीं हो तो तुरंत जाके जांच करवाओ। कौन सी क्या किट देती हैं आप? ये तो ILI की टिक्की है, ये इसमें दवाइयाँ रहती हैं। हाँ, गर्भवती महिला की सेहत का ख्याल रखना हो, जन्म लेने वाले बच्चे को कुपोषण से बचाना हो, जन्म से मृत्यु तक का रिकॉर्ड बताना हो, सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना हो, अभी वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक तक करने में यही आशा कार्यकर्ता गांव गांव घूमती हैं, लेकिन राजस्थान सरकार इन्हें घर घर जाने का 1 रुपया देती है और महीने का कितना जरा सुनिएगा। हमें सरकार की तरफ से मात्र 2,970 रुपए दिए जाते हैं, 3,000 में 30 रुपए कम। मजदूर को भी जहां 300 रुपए दिन के दिए जाने का नियम है, वहां 100 रुपए से कम में आशा कार्यकर्ता से काम कराया जाता है। राजस्थान में इन्हें साल में 2 नीली साड़ी वाली यूनिफॉर्म देनी होती है, 2 साल से वो यूनिफॉर्म तक सरकार नहीं दे पाई। और ये हाल सिर्फ राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश भी चलिए, MP के सतना में एक ठीक ठाक बर्गर की कीमत यानी 66 रुपए रोज के नाम पर आशा कार्यकर्ताओं से काम कराया जाता है। वेतन बढ़ाने की मांग करते अब ये बेहोश हो रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आशा वर्कर घर घर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने जाती है, लेकिन इन्हें भी मजदूरों से कम वेतन देने में महीनों लगा दिए जाते हैं। मिलता है लेकिन समय नहीं मिलता है, 2 महीने 4 महीने ऐसे आता है, समय नहीं मिलता है, लेकिन आता है 5-6 महीने में आता है, मिल जाता है, लेकिन समय नहीं आता। अब आप इसी कहानी से समझ लीजिए कि देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए सरकारें कितनी संजीदा हैं, जो हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को देवदूत बताएंगी लेकिन जमीन पर वेतन तक के लिए तड़पाएंगी। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।